आपके अकॉर्डिंग कितना चेंज आया है कश्मीर में आफ्टर थ्री सेवेंटी क्योंकि आपने तो इतना टाइम निकाला है और आप अभी भी देख रहे हो गए तो ये कितना चेंज आया है उसमें? और थिंग्स तो हैव परेंज यानी कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक मैं जब थ्री सेवेंटी हटाया उसके बाद मैं स्टाफ ड्यूटीज में रहा हूँ वैली में मैंने एक साल ही नौकरी की है उसके बाद मैं इतना वैली में कश्मीर में रहा नहीं लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ मिलिटेंसी वो मैं आपको बताता हूँ जब नाइन्टीज़ में मिलिटेंसी शुरू हुई थी जिन लोगों ने uh, जिन भी आर्मी ऑफिसर्स सोल्जर्स जे सी ओज ऑफिसर्स ने नाइनटीन नाइन्टी से टू थाउजेंड फोर फाइव तक की जो मिलिटेंसी देखी है दैट वॉज एट द पीक ऑफ राधर टू थाउजेंड थ्री तक मैं बोलूँगा दैट वॉज द पीक ऑफ मिलिटेंसी यानी कि उस लेवल की मिलिटेंसी तो अब खैर नहीं।, नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज आर्मी एंड स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी जगह पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कम हो गई जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आजकल जम्मू रीजन फिर से दो ढाई साल से एक्टिव हो गया है जो आपका राजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ और ये वाला जो हाँ सांबा सांबा चलो बीच बीच में होता रहता है कुछ न कुछ सो so, ये वाला एरिया एक्टिव हो गया है तो लोग बोल रहे हैं कि मिलिटेंट्स ज़्यादा बढ़ गए बट जो हमने जो मैंने एज यंग ऑफिसर ऑपरेशंस देखे हैं uh, पीर पंजाल रेंजेस में है साउथ कश्मीर में डेट लेवल ऑफ मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा था अभी उतना लेवल तो वैसे ही कम हुआ है बिकॉज 2003 में जब फेंस लगाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे उससे भी इन्फल्ट्रेशन बहुत कम हुई है लोकल पीपल हैव रियलाइज कि इसमें इतना कोई फ़ायदा नहीं है मिलिटेंट बन के सो लेवल्स हैव कम डाउन कुछ स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट लाइक पुलवामा शुपिया जो साउथ कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट हैं समाइम्स सेंट्रल कश्मीर नॉर्थ कश्मीर में कुछ तो वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती हैं अपार्ट फ्राम जम्मू रीजन लेकिन लेवल्स हैव डेफिनेटली कम डाउन यानी कि अब तो टूरिज़म वूरिज़म होते पहले ऐसा कुछ नहीं होता था सो so, जब हम इनिशियली जे एंड के में जाते थे सो so, मैं आपको बताऊंगा कि छः सात बजे के बाद शाम को या तो फौज आउट होती थी या मिलिटेंट्स आउट होते थे सो so, वो वाले लेवल्स तो खैर अब नहीं रहे हैं एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी है चाहे जे एंड के पुलिस है चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है सब द होल सिक्योरिटी जो फोर्सेज का जो मेट्रिक्स है सबने मेहनत की है तभी वो लेवल्स अचीव हुए हैं सो इट इज़ नॉट एज़ कंपेयर टू जो लोग पुराना वाला जो हमने टाइम देखा है इन माई इनिशियल सर्विस उतना लेवल तो नहीं है इट इज़ स्टिल अंडर वेरी मच कंट्रोल बट बिकॉज कॉम्बेट ऑपरेशन हैं काउंटर टेररिज्म है थोड़ा बहुत सपोर्ट है कई जगहों से फ़ौज उठ के किसी और फ्रंट पे जैसे अभी गलवान के बाद चाइना चाइनीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा फौज लगा दी बिकॉज जम्मू रीजन वॉज इनएक्टिव so, फिर थोड़ा सा राइज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं लॉस ऑफ लाइफ ऑफ वेदर इट इज़ आर्मी और सिविल वो तो खैर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में बट आई थिंक सो स्टिल इज स्टिल कंट्रोलेबल बाय यानी वी मस्ट हैव फेथ इन द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस दे विल गेट इट अंडर कंट्रोल